दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज को इस वीडियो में मैं दो टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। एक जो आप लोग के इसको लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल भी है, जो गाड़ी का 90 डिग्री टर्न कैसे लेना है वो मैं दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा इस जैसा छोटा सा पैसेज में और छोटा सा अपार्टमेंट पार्क में गाड़ी को कैसे रिवर्स करके पार्क करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप गाड़ी का जस्ट रास्ता जो है मैं पहले बता देता हूँ, ये 10 फुट का लगभग चौड़ाई जो है इस पैसेज का है, और वहां जाकर जहां देखते हो वहां है गाड़ी का मतलब दीवार का डेड एंड। वहां से मेरे को एकदम एक्सट्रीम राइट में 90 डिग्री टर्न लेना पड़ता है। तो मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, आपका गाड़ी का जो बोनेट है और ये मिरर का जो डिस्टेंस है हर एक गाड़ी का वो बदलते रहता है। तो अगर आपके पास इनोवा है तो उसके लिए जो मिरर का और बोनेट का जो डिस्टेंस होगा वो अलग होगा और ब्रिजा के लिए अलग होगा, लेकिन ये मिरर वाला ट्रिक हर एक के साथ काम करेगा। तो आज को मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ वो वाला ट्रिक कैसे करना है। तो गाड़ी को एकदम पैसेज का बीच में रखना है, मतलब इधर भी जितना जगह होना चाहिए उधर भी उतना ही जगह होना चाहिए। फिर क्या करना है, ये वाला मिरर को और दीवार का उस एज को बराबर में लाना है। गाड़ी लेकिन अभी भी फिलहाल एकदम मिडिल में है, ठीक है। ये देखो मैं ये दोनों को एकदम मैं बराबर में लाया। अभी मैं क्या करूंगा, स्टीयरिंग को मैं पूरा काट दिया, और अभी देखो गाड़ी कैसे निकल जाएगा। आप देखते रहो मैं गाड़ी का अनकट रख रहा हूँ, देखो गाड़ी कैसे बगल से निकल रहा है, लेकिन आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर से आप गाड़ी का स्टीयरिंग को सीधा कर लो, ठीक है, पैसेज का बीच में रखो गाड़ी को, इधर भी फिर से एक एक्सट्रीम 90 डिग्री टर्न है राइट में, उसके लिए भी सेम ट्रिक, ये वाला मिरर को मैं यहां लाऊंगा, ठीक है। फिर मैं स्टीयरिंग को मैं पूरा मोड़ दिया, अभी देखो गाड़ी ये फिर से आराम से निकल गया, कोई भी दिक्कत नहीं आया है। तो दोस्तों यही वाला ट्रिक्स आपको फॉलो करते रहना है। तो आप इसमें अगर फॉलो करोगे तो आप गाड़ी को कभी भी अंदर भी ले पाओगे। और एक चीज आज को मैं दिखाऊंगा वो है, आप देख सकते हो जहां पर ड्राइव स्लो, जहां पर उंगली है, ये दो पैसेज के बीच में ये अपार्टमेंट का पार्किंग है, यहां पर मेरे को गाड़ी को रिवर्स करके अंदर लेना है। तो वो भी मैं कैसे करूंगा इसी वीडियो में मैं दिखा देता हूं। तो इसके रिवर्स करके गाड़ी को इस जैसा छोटे से पार्किंग में कैसे लगाना है वो आज को मैं दिखाऊंगा, जहां पर भी गलती का बिल्कुल भी जगह नहीं है। आप थोड़ा सा भी गलती करोगे तो आपका गाड़ी खींच जाएगा। आप देख सकते हो मेरा जो पैसेंजर साइड जो है वहां से जो गैप है आप मैं आपको दिखा रहा हूं, जो पीछे का जो पिलर है उसका गैप देखो बिल्कुल भी ना के बराबर है, मेरे को लगता है 3-4 उंगली का गैप होगा, मैं दिखा दूंगा। और ये जो व्यू अभी आप देख रहे हो यह है ड्राइवर साइड से, तो यहां पर भी गलती का बिल्कुल भी जगह नहीं है आपके पास। आपको एक बार में सटीक आपको गाड़ी रिवर्स करके पीछे लाना है, और उसके लिए सबसे जो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मिरर, ठीक है। दोनों साइड का मिरर आपको पहले खोल लेना है, और मिरर को इस तरह से सेट करना है कि गाड़ी का एकदम पीछे जो एंड जो आपका जो पोर्शन है वो तक आपका विजिबिलिटी बिल्कुल भी क्लियर रहे ड्राइवर साइड से। देखो अभी जो फुटेज आप देख रहे हो ये मैं कैमरा सामने रख दिया, और गाड़ी को मैं पार्किंग से अभी निकाल के बाहर निकाल रहा हूँ, तो इससे आपको जो व्हील का जो मूवमेंट है इससे आपको पता चल जाए। तो गाड़ी को आपको किस तरह से निकालना भी है ये भी आपको पता चले। देखो मैं पहले अपना लेफ्ट में काट के फिर मैं गाड़ी को घुमाया, ताकि ये जो पिलर जो है यहाँ से मेरा जो पैसेंजर साइड का जो डोर है वो डिस्टेंस थोड़ा सा बना रहे। ये जो फुटेज देख रहे हो ये है मेरा डैश कैम से, क्योंकि इस जैसा पार्किंग में एक हाथ से लेके पॉसिबल नहीं है, तो उसी लिए मैं डैशबोर्ड का फुटेज आपको दिखा रहा हूँ। मैं वही फुटेज जब सामने से देखोगे, मेरा ड्राइवर व्यू से देखोगे तो किस तरह से दिखेगा। देखो मैं गाड़ी को अभी निकाल लिया, ठीक है, अभी मैं फिर से आपको सामने का फुटेज दिखा रहा हूँ। देखो ये मैं गाड़ी पूरा पार्किंग से निकाल लिया, ठीक है, ये देखो ये इस तरह से गाड़ी निकल रहा है एकदम प्रिसाइजली। उधर से भी आप देखो पिलर से मैं डिस्टेंस बना लिया हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आया। तो सोच लो आप इसी तरह से गाड़ी लेके इस जैसा पार्किंग में निकल गए, और अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी को रिवर्स कर रहा हूँ, और आप मेरा गाड़ी का जो फ्रंट का जो व्हील का जो मूवमेंट है, ठीक है, उसको आप नोटिस करो मैं किस तरह से काट रहा हूँ। देखो गाड़ी का पीछे का जो टेल मैं अपने मिरर से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पीछे का जो पिलर और जो गाड़ी का जो पीछे का जो एकदम टेल अलाइन जब हो जाता है, मैं गाड़ी को फिर मूवमेंट किया, थोड़ा सा और सामने लाया। अभी आप देखोगे गाड़ी को मैं पूरा रिवर्स में काट रहा हूँ उल्टा करके चक्का, ठीक है, ताकि अपना जो पिलर है उससे मैं थोड़ा सा गैप बना लूँ। ये आप सामने का फुटेज देख लो, मैं इसके बाद पीछे का भी फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा, गाड़ी पीछे से जब रिवर्स होके यही फुटेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो मैं किस तरह से मूवमेंट कर रहा हूँ, अपना जो गैप है बना रहा हूँ, आप पीछे का पिलर देखो मैं किस तरह से दोनों तरफ का
मिरर देख रहा हूँ और गाड़ी को मैं धीरे धीरे करके पीछे कर रहा हूँ और छोटा छोटा करेक्शन कर रहा हूँ। देखो जहाँ मेरे को लग रहा है जी नहीं, और थोड़ा सा आगे लेके एंगल सही करना है तो मैं वो कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। इस जैसा पार्किंग में आप गाड़ी को एकदम धीरे धीरे करके अंदर लो, दोनों तरफ का मिरर को कॉन्टिन्यूसली देखते रहो, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अभी देखते हैं पीछे से सेम फुटेज को। देखो ये मैं गाड़ी को ला रहा हूँ पीछे, रिवर्स कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। मैं पहले जो ये वाला जो पिलर है, ठीक है, इसके जो वाइट कलर है जो पिलर दिख रहा है उसके साथ मैं गाड़ी को अभी भी देखो मैं पीछे ला रहा हूँ, अभी भी पीछे ला रहा हूँ। ठीक है, मैं ये दो पिलर और टेल लाइट जब बराबर में अलाइन हो जाएगा मैं गाड़ी को फिर से आगे किया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, गाड़ी को फिर से मैं रिवर्स गियर में डाला और ये मैं देखो किस तरह से गैप बना के पीछे आ रहा हूँ। ठीक है, मैं दोनों साइड का मिरर देख रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मेरा लेफ्ट में जो जगह है पिलर है उससे वो टकरा जाएगा, तो इसीलिए मैं गाड़ी को अभी धीरे कर रहा हूँ। गाड़ी को ब्रेक लगाया, ठीक है, और गाड़ी को पूरा उल्टा साइड में काट के और ये देखो गाड़ी को मैं अंदर लाया और एक बार में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मैं एक बार में गाड़ी को मैं सटीक पार्क कर दिया दोनों पिलर के बीच में। ठीक है, जहाँ पर जगह बिल्कुल भी कम है और यह मैं गाड़ी को पार्क कर दिया। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द और एक इन्फॉर्मेटिव और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।